दोस्तों अगर आप अपने किसी भी वीडियो के बैकग्राउंड को चेंज करना चाहते हैं तो आज आप ये वीडियो पूरा लास्ट तक देखते रहिए क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने किसी भी वीडियो के बैकग्राउंड को ग्रीन स्क्रीन की मदद से चेंज कर सकते हैं जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरह से ग्रीन स्क्रीन है हमारा और इस ग्रीन स्क्रीन के सामने जो हमारा वीडियो है कुछ इस तरह से हमने शूट किया हुआ है और इस वीडियो का बैकग्राउंड हम चेंज करेंगे तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आप चलिए आज के वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों इसके लिए सबसे पहले आपको काइन मास्टर में यहां पर बीच में प्लस का साइन मिल रहा है इस पर आपको क्लिक करना है इसके बाद यहाँ पर बोल रहा है कि एस्पेक्ट रेशियो सेलेक्ट करना है अपने प्रोजेक्ट के लिए तो हम YouTube वीडियोस बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर सिक्सटीन रेशियो नाइन सिलेक्ट करेंगे इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस मिलेगा यहाँ पर आपको वो सिलेक्ट करना है इमेजेस जो आप बैकग्राउंड में रखना चाहते हैं तो चलिए हम यहाँ पर इमेजेस पर क्लिक करके कुछ बैकग्राउंड सिलेक्ट कर लेते हैं चलिए हम यहाँ पर सबसे पहले ये वाला बैकग्राउंड सिलेक्ट करते हैं इसके बाद एक और बैकग्राउंड सिलेक्ट कर लेते हैं वाइट वाला और एक और कर लेते हैं ये रेड वाला ठीक है इस तरह से हमने तीन बैकग्राउंड सिलेक्ट कर लिए अपने प्रोजेक्ट के लिए राइट पर क्लिक किया इसको स्टार्टिंग इस टाइमलाइन में आए इसके बाद लेयर पर क्लिक करेंगे यहाँ अब मीडिया पर क्लिक करना है इसके बाद अपना वो प्रोजेक्ट सिलेक्ट करना है जिसका बैकग्राउंड आप चेंज करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर कैमरे में एक वीडियो रिकॉर्ड किया हुआ है इस पर हम क्लिक करेंगे तो कैमरे पर क्लिक करने के बाद ये वाला वीडियो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ ये वाला वीडियो तो इस पर मैं क्लिक करूंगा इसके बाद हमारा जो वीडियो है सिलेक्ट हो जाएगा अब इसे हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं जूम कर लेते हैं जितने में हम इस वीडियो को प्ले करना चाहेंगे ठीक है तो इतने में हम सेलेक्ट करके राइट पर क्लिक किए अब कुछ इस तरह से हमारा वीडियो है ग्रीन स्क्रीन भी दिख रहा है और बाकी पीछे का बैकग्राउंड पूरे अच्छे से चेंज नहीं हुआ है तो हमको इसका बैकग्राउंड चेंज करना है तो क्या करेंगे इस पर क्लिक करेंगे वीडियो पर इसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पर क्रोमा की का ऑप्शन मिलेगा इसको इनेबल करना है यहाँ से आप जैसे ही इनेबल करेंगे यहाँ पर ब्लैक और वाइट कलर का आ गया वाइट वाला शो होगा और जो ब्लैक वाला है ये वाला एरिया रिमूव हो जाएगा ठीक है तो हमको अच्छे से ब्लैक अभी कंप्लीट नहीं हुआ है साइड वाला ठीक है और ब्लैक ब्लैक थोड़ा सा बाल वगैरह में ऊपर में सिर के ऊपर आ रहा है तो हम इसको यहाँ से एडजस्ट करेंगे थोड़ा सा इसको इधर उधर करके यहाँ से एडजस्ट करेंगे और एकदम परफेक्टली हम लोग इसको जो साइड का है ग्रीन वाला उसको ब्लैक करेंगे और वाइट वाले को मतलब अपने आप को वाइट करना है पूरा पूरा ठीक है तो यहाँ से हम इसे एडजस्ट करेंगे थोड़ा अच्छे से तो चलिए हम यहाँ एडजस्ट कर लिए हम ठीक है पूरा ब्लैक हो गया है ग्रीन स्क्रीन और जो हम हैं वो पूरा वाइट हो गया है. अब राइट right पर क्लिक करना है इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो बैकग्राउंड है ग्रीन स्क्रीन वो हट चुका है और अगर हम इसे प्ले करके देखेंगे चलिए हम प्ले करके देखते हैं तो कुछ इस तरह से हमारा जो बैकग्राउंड है वो दिखेगा हमारे वीडियो के अंदर देख सकते हैं हमारा जो वीडियो है वो बैकग्राउंड चेंज हो चुका है हमारे वीडियो का ठीक है अगर हम इसके बैकग्राउंड को मतलब क्रोमा की को एनेबल नहीं करेंगे तो वापस से चलिए हम इसको डिसेबल करके देखते हैं कैसा दिखता है अब हम इसे प्ले करेंगे तो जो बैकग्राउंड में ग्रीन स्क्रीन है वो आएगा जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ग्रीन स्क्रीन आ रहा है ठीक है तो इसको हटाने के लिए क्रोमा की को एनेबल करना है बस राइट right पर क्लिक करना है और यहाँ से ऊपर से एक्सपोर्ट कर सकते हैं अपन ठीक है कुछ इस तरह से हमारे वीडियो का बैकग्राउंड सक्सेसफुली चेंज हो चुका है दोस्तों मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको यह वीडियो जरूर पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके लेटेस्ट वीडियो से अपडेट रहने के लिए नोटिफिकेशन आइकन को दबाइए वीडियो पूरा लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद फिर से मिलते हैं किसी नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए जय हिंद जय भारत